तहसील के अधिवक्ता भवन में आयोजित समारोह के बाहर के अधिवक्ताओं और सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति भी सम्मानित किए गए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी ने कहा कि भारत की आजादी हो या देश का नव निर्माण हो, अधिवक्ताओं ने महती भूमिका निभाई है। अधिवक्ताओं ने अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए चलाए गए स्वतंत्रता संग्राम में कई अधिवक्ताओं का भी योगदान रहा है, जिनमें महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता ही तो थे। उप जिलाधिकारी निजामाबाद रवि कुमार ने कहा कि बार बेंच में आपसी सामंजस्य से वादकारियों को त्वरित न्याय मिलेगा, इसके लिए वादकारियों के हितों को ध्यान में रखना होगा। तहसीलदार राजू कुमार ने कहा, बार एवं बेंच के सहयोग से मुकदमा का निस्तारण त्वरित गति से हो, जिससे आम जनमानस में भी न्याय के प्रति विश्वास और मजबूत हो सके। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष खुलीक उज़्ज़मा, एडवोकेट व मंत्री अवधेश यादव ने अधिवक्ताओं की मांग संबंधी ज्ञापन उत्तर प्रदेश बार काउंसिल अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी को सौंपा। इस अवसर पर कृष्ण गोपाल रॉय, डॉक्टर शहनवाज, एडवोकेट संजय यादव, रण विजय रॉय उर्फ मनोज रॉय, रामाश्रय चतुर्वेदी, संजय यादव आदि लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से ब्यूरो अबूजर आजमी की रिपोर्ट। देश प्रेम पिक्चर का एक गाना है जो दो लाइन में व्यक्त करूंगा, इसी में सबके हर मर्ज का दवा है। नफरत की लाठी थोड़ो। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी के साथ।